नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेज वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लैंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी, मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुँची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नू में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजनीति कर रहे हैं कुछ विपक्षी लोग, ये राजनीति करने का समय नहीं है। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूँ ना। कैजुअल्टी भी हुई है, पुलिस वाले भी मारे गए हैं। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई हैं। दो होमगार्ड के जवान जो गुड़गांव पुलिस के साथ गए थे, वो जो एंट्री पॉइंट पे उनके ऊपर पथराव हुआ है, वो शहीद हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहाँ पर भी गोली लगी है उनको, उनको जो मैदानता में एडमिट करवाया गया है और 15 लोग नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जिनमें से एक ब्रोड डेड था, उसकी शलाखा अभी हो रही है। और 3 पुलिस कर्मचारी जिनको की गोली लगी है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाई रखी गई है कि अगर कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम उनको शिफ्ट करें।